देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में बता दिए जो टेस्ट में दिए थे, अब आगे देखिए उनका सोल्यूशन। ठीक है जी, देखें सी डबल बॉन्ड ओ के बराबर में ओ आर तो ईथर, और सी डबल बॉन्ड अगर हम इसको देखें तो ईथर से भी सीनियर कौन बन रहा है, इसमें इधर देखें तो ईथर बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ देखें तो एसिड एनहाइड्राइड बनता दिखाई दे रहा है, तो ईथर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है तो क्या लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, एसिड एनहाइड्राइड में भी ये क्या हो गई साइड चेन, ये इस वाले एसिड एनहाइड्राइड की साइड की साइड चेन हुई, ये उस वाले एसिड एनहाइड्राइड की साइड चेन हुई, तो इसमें एसिड एनहाइड्राइड कितना हुआ, ये एक ये और एक ये, ये सिर्फ एक कार्बन का एसिड यूज़ हुआ और इसमें दो कार्बन का। देखिए कोई भी एसिड एनहाइड्राइड दो कार्बोजिक एसिड से मिलके बनेगा, तो एक कार्बोजिक एसिड तो हो रहा है एक कार्बन वाला और एक क्या हो रहा है दो कार्बन वाला। क्लियर होगी बात, तो ये क्या है इथेनोइक एसिड और ये मिथेनोइक एसिड। अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम पहला आएगा, इनका अल्फ़ाबेट नहीं देखना इनका, तो क्या है इथेनोइक और ये मिथेनोइक, तो ई पहला आएगा, तो पहले इसी का नाम, और इसका नाम लिखेंगे तो पहले इसकी साइड चेन। ठीक है तो क्या होगी मिथॉक्सी, किस पे वन और टू, टू पे, तो टू मिथॉक्सी। फिर वो क्या है इथॉक्सी, टू वन है नहीं एक ही कार्बन है, तो बस फिर क्या हो जाएगा उसका नाम, तो पहले टू मिथॉक्सी और ये क्या है इथेनोइक, टू इथॉक्सी इथेनोइक, ये कौन सा रहा इथेनोइक एसिड, और ये क्या है जी? अब इस एसिड का नाम लिखें, ये मिथेनोइक है मगर मिथेनोइक पे क्या है इथॉक्सी, तो इथॉक्सी मिथेनोइक। ठीक, और अब क्या है ये एनहाइड्राइड, एसिड की जगह क्या लग जाएगा एनहाइड्राइड। ठीक है नेक्स्ट देखिए बात करें इसकी, तो ये क्या है ये भी एसिड एनहाइड्राइड बनता दिखाई दे रहा है हमको, देखिए ये पार्ट देखिए क्या बनता दिखाई दे रहा है एसिड एनहाइड्राइड। बस ये क्या है कि दोनों एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड के अंदर दो कार्बोजिक ग्रुप रहे होंगे, देखो ये वाले एक यहाँ रहा होगा एक यहाँ रहा होगा और एक ये मिथाइल रहे होंगे इन पे। ठीक है, इस एसिड से मिलके बना हुआ क्या है ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो इसका नाम अगर मैं लिखता तो कैसे लिखता, वन टू थ्री फोर, तो क्या होगा टू थ्री डाइमिथाइल, तो देखो टू कॉमा थ्री डाइमिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए थे फोर, तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड था तो एन, और क्या था जी वन टू पे वन फोर पे वन फोर डाई ओइक एसिड, बस एसिड की जगह क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। तो इसमें जरूरी नहीं कि आप ऐसे बनाएं, बस यहाँ से देख लें वन टू थ्री फोर, तो ये क्या था टू थ्री डाइमिथाइल और ये क्या हो गया ब्यूटेन वन फोर डाई ओइक एसिड की जगह क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है ईथर, ईथर इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं थ्री, और इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं टू, तो ओ किसके साथ भाग जाता है स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप के साथ, वो वन टू थ्री। ठीक है तो ये क्या हो गया टू पे क्या हो गया इथॉक्सी, दो कार्बन है तो एट और ओ है तो ऑक्सी इथॉक्सी, और मेन चेन में तीन कार्बन हो गए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट, तो ये क्या है ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गई मेन चेन, क्या हुई एल्केन, नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से, ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स है साइड चेन है, साइड चेन के पिताजी कौन होते हैं डबल बॉन्ड, यानी कि साइड चेन से ज़्यादा सीनियरिटी किसकी होती है डबल बॉन्ड की, तो नंबरिंग वहीं से जहाँ से डबल बॉन्ड पास बनेगा वन टू थ्री, तब ये क्या होगा थ्री मिथॉक्सी, एक कार्बन है तो मेथ और वो है तो ऑक्सी, तो क्या हो गया मिथॉक्सी, और मेन चेन में तीन कार्बन है प्रॉप और डबल बॉन्ड है ईन प्रोपीन, यानी कि ओ इधर भी दो कार्बन है उधर भी दो कार्बन है, तो अब ओ किसके साथ जाए। ठीक है तो इसमें भी दो कार्बन उसमें भी दो कार्बन, मगर इधर क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये जीत गया, अगर मैं इसको मेन चेन लूँगा देखो तो एक ही साइड चेन बचेगी ये पूरी, और मैं इसको मेन चेन ले लेता हूँ तो साइड चेन दो बच जाएंगी एक ये और एक ये, तो इसलिए ये बेस्ट रहा।
नंबरिंग, ये ऑक्सी है, ये ब्रोमो है, ये भी सब्सिट्यूएंट्स है, साइड चेन है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं। ईथर फंक्शन ग्रुप में काउंट नहीं होता, ईथर का प्रीफिक्स होता है यूपीसी नेम में, सफिक्स नहीं होता। सफिक्स मतलब सीनियर फंक्शन ग्रुप। तो ये भी सब्सिट्यूएंट्स, ये भी सब्सिट्यूएंट्स, ये भी एक, वो भी एक, ये भी फर्स्ट पे, वो भी फर्स्ट पे। तो अल्फाबेट बी पहला आएगा ई से, नाम भी पहले ब्रोमो पे लिखा जाएगा। तो वन ब्रोमो और क्या हो गया, टू इथॉक्सी, ठीक है, दो कार्बन है तो एट, और वह तो ऑक्सी इथॉक्सी, और मेन चेन में कितने कार्बन रह गए, टू, एट सिंगल बॉन्ड है, एट इथेन। नेक्स्ट ये देखिए, ये इथर है, ये एल्कोहल है, ये तो सफिक्स में, ये तो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है, ये सफिक्स में यूज होता है। तो मेन चेन बस ये रह गई, और ये क्या रह गया, सीनियर फंक्शन ग्रुप, और ये क्या रह गई, उसकी साइड चेन। क्लियर, तो बस नाम लिख देंगे, क्या नाम होगा पहले साइड चेन का, तो क्या हो गया, ये इथॉक्सी, इथॉक्सी। मेन चेन में क्या नाम हो गया, मेथ सिंगल बॉन्ड के साथ एंड मेथेन, और ये क्या हो गया, ओल। वन लेने की जरूरत नहीं, मेन चेन में एक ही कार्बन है, तो मेथेनॉल। यहाँ देखिए ये क्या है, मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगी, मेन चेन, तीन कार्बन की, दो की नहीं, वन टू थ्री या वन टू थ्री, ठीक है, और एक साइड चेन हो गई। तो नंबरिंग वन टू थ्री, तो क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग करें, तो अगर आप नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम लिखें तो नाम पहले मिथॉक्सी का लिखें कि मिथाइल का, मेथ के बाद इसमें आता है वाई एल, इसमें मेथ के बाद आता है ओ, तो ओ पहले आएगा वाई से, इसलिए पहले नाम इसका, तो टू मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, टू पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, और मेन चेन में क्या हो जाएंगे, तीन कार्बन, प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है, तो ए फंक्शन ग्रुप कोई है नहीं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो गया, ये सी डबल बॉन्डों के बराबर में हैलोजन, तो ये एसिड हैलाइड है, ये ही सीनियर फंक्शन ग्रुप हो गया, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बाकी तो सब साइड चेन होंगी। तो नंबरिंग अगर देखें तो वन टू थ्री फोर, फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन, ये क्या हो गया, ओ, ओ अगर साइकिल बना दे तो इससे क्या बोलते थे, इपॉक्सी, तो ये क्लोरो है, ये इपॉक्सी है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली सी पहला आएगा कि ई, इपॉक्सी, तो सी पहला आएगा, तो थ्री क्लोरो, और फिर क्या है, इपॉक्सी किस पर, टू और सिक्स से मिलके बना है, तो वो फोर और सिक्स है, फोर कोमा सिक्स इपॉक्सी। मेन चेन में सेवन कार्बन हो गए, तो क्या हो गया, हैप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये क्या होगा, ओएल, ओएल क्लोराइड। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, देखिए तो इसमें कोई भी सीनियर फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइड चेन, ये भी हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, क्या, इपॉक्सी। तो नंबरिंग जिधर से पास पड़े, सबकी कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो फिर क्या देखेंगे, जिसकी पोजीशन पास हो, यानी कि ये फर्स्ट पे आ रहा है, जबकि वो उधर से टू पे आ रहा है, तो यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, और नाम भी पहले अल्फाबेट उसका बी पे आएगा ई से, तो वन ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, थ्री और फोर, देखो थ्री और फोर के बीच में थ्री फोर इपॉक्सी, और मेन चेन में फाइव कार्बन हो गए, तो पैंट और सिंगल बॉन्ड होगा, तो एन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इसकी सी डबल बॉन्ड के और में OH, तो ये कार्बोजिक एसिड, इससे तो सीनियर ग्रुप कोई होता ही नहीं है आईपीसी नेमिंग में, अगर न्यूट्रल की बात करें, कैटायन वाले इस तरह हो जाएंगे। यहाँ बात करें अमाइड, ठीक है, तो ये अमाइड क्या हो गया, ये सीनियर फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये अमाइड बाद एसिड डेरिवेटिव है, और ये बाद में आता है उससे सीनेटी टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि साइड चेन, और साइड चेन होगी तो उसका कार्बन मेन चेन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस नंबरिंग कर देंगे वन टू थ्री फोर फाइव, यहीं से क्यों, क्योंकि ये सीनियर फंक्शन ग्रुप है, ये भी साइड चेन हुई, वो भी साइड चेन हुई, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम क्या होगा, जब ये अमाइड्स साइड चेन में आती है कार्बन के थ्रू, तो इसका नाम होता है कार्बोमाइल, ठीक है। तो सी से शुरू होगी, एम से, तो सी पे लाएगा, तो फाइव पे क्या हो गया, कार्बोमाइल, ठीक है, और फोर पे क्या होगा, मिथाइल, और मेन चेन में फाइव कार्बन हो गए, तो पैंट और सिंगल बॉन्ड है, तो एन, और ओइक एसिड है, काउजिक एसिड है, तो ओइक एसिड, ठीक। यहाँ देखिए
ये हमें कौन कौन से ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड कार्बन में ओ एच, तो ये पूरा एक ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या दिखाई दे गया, कीटोन, क्योंकि इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, इस पर एक साइड कार्बन यानी कि यहाँ एच होगा, तो ये क्या है एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए तो नंबरिंग सीनियरिटी तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसी के कारण से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 3 के बाद इधर जाऊँगा तो 4 एंड 5, इधर जाऊँगा तो 4 5, ठीक है, इधर भी 5 है उधर भी 5 है, मगर इधर जाऊँगा तो 2 कार्बन, उधर जाऊँगा तो भी 2 कार्बन। अब इस पर केवल एक ही साइड चेन पड़ेगी, उस पर कितनी पड़ जाएगी, 1 और 1 2, ये भी साइड चेन पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि माइनर ग्रुप है तो इसका कार्बन मेन चेन में क्यों ले रहे हैं, इसका कार्बन मेन चेन में एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है तो इसका कार्बन मेन चेन में आ सकता है, अगर ये क्या करे मेन चेन को बढ़ा दे, या मेन चेन को ना बढ़ाए मगर मेन चेन में साइड चेन को बढ़ा दे, तो फिलहाल ये कार्बन में मेन चेन तो नहीं बढ़ा रहा, मतलब मेन चेन में कार्बन तो नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि इधर भी 5 आ रहा उधर भी 5 आ रहा, मगर इसको लेने से साइड चेन एक बढ़ जाएगी, ठीक है, मैंने पीछे भी बताया। तो 3 4 5 देखो कैसे बढ़ गई साइड चेन, एक तो ये खुद भी साइड चेन हो जाएगा ऑक्सो, और एक ये, और एक ये, ठीक है, अगर हम इसको लेते तो एक ये होती और एक पूरी साइड चेन हो जाती, बस नाम लिखे, पहले साइड चेन का नाम आएगा, ये मिथाइल है, ये ऑक्सो है, ये भी ऑक्सो है, तो एम पहले आएगा के ओ, तो पहले एम आएगा अल्फाबेटिकली, तो पहले साइड चेन का नाम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो 4 मिथाइल, फिर क्या आएगा ऑक्सो, ये ऑक्सो है और ये क्या है, ये है तो इथाइल, देखिए क्योंकि ये साइड चेन बनी, ये क्या इथाइल है और इथाइल के बंद पे भी क्या है ऑक्सो, तो इसे ऑक्सो ना बोलो, अब तो ये क्या हो गया, देखिए मैंने आपको पहले भी पीछे कुछ क्वेश्चनों में ये पार्ट आए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, ये कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये इथेनॉइल, आगे बात समझ में आई, तो ये इथेनॉइल है और ये क्या है ऑक्सो है और ये मिथाइल है, तो इथेनॉइल, इथेनॉइल तो पहले आ जाएगा, ई से शुरू हो रहा है एम से, तो क्या नाम आएगा पहले, तो पहले आ जाएगा 3 पे क्या हो जाएगा इथेनॉइल, ठीक, तो इथेनॉइल और 4 मिथाइल और फिर 5 क्या होगा ऑक्सो अल्फाबेट, ठीक है, और मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, अब और कोई साइड चेन नहीं बची, तो मेन चेन में 5 कार्बन हो गए, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड 5 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट सीनियर ग्रुप, इसमें ये क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है सल्फोनिक एसिड है, और तो कोई नहीं है, तो सल्फोनिक एसिड सबसे सीनियर हुआ क्योंकि सेकंड नंबर पर आता है सीनियरिटी में, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बाद सल्फोनिक एसिड, तो जिस कार्बन पे जुड़ा है वो तो बारात में जुड़ जाएगा, मगर इसका जो दोस्त है उसे भी ले चलो, उसे क्यों छोड़ रहे हैं, उसे भी ले चलो बारात में। आगे चलिए, यहाँ तक आई बारात, यहाँ से आगे जाऊँगा तो कितने कार्बन हैं 2, जबकि यहाँ कितना है 1, और वैसे भी ये साइड चेन हो गई, और आगे क्या है डबल बॉन्ड की सीनियरिटी अब साइड चेन से ज़्यादा होगी, साइड चेन क्यों हो गई, क्योंकि ये माइनर फंक्शन ग्रुप हो गया, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स में काउंट होगा, तो अब तो आगे लेना ही है, क्योंकि डबल बॉन्ड की सीनियरिटी अब साइड चेन था, फंक्शन ग्रुप में सोचना है इसे कि ये कभी एल्डिहाइड सोचो, ठीक है। तो बस नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से ये पास पड़े सीनियर फंक्शन ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम ऑक्सो नहीं होगा, अब जब ये इसका कार्बन मेन चेन में नहीं जाता और ये साइड चेन में है तो 4 माइल होता है ये, तो ये 4 माइल होगा और वो क्या होगा बाकी तो और कोई साइड चेन है ही नहीं, तो 4 पे क्या होगा 4 माइल, हाँ अगर ये कार्बन मेन चेन में चला जाता तो ये ऑक्सो हो जाता, तो 4 4 माइल, फिर ये कीटोन की तरह काम करता, 4 4 माइल, मेन चेन में 6 कार्बन हो गए, हेक्स, डबल बॉन्ड है आपके मेन चेन के कार्बन के बीच में, किस पे 5 और 6 के बीच में, तो 5 लिखेंगे, तो 5E, और क्या हो जाएगा 2 पे क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड,